स्टार्ट। निर्भया गैंग रेप मामले के पांच आरोपियों में एक अपीलार्थी ने अपनी मृत्युदंड की सजा पर पुनर्विचार के लिए यह याचिका प्रस्तुत किया था। स्टॉप। मामले के घटनाक्रम के अनुसार दिनांक 16/12/2012 को पीड़िता निर्भया अपनी मित्र के साथ फिल्म देखने गई थी और 8:45 बजे मुनीर का बस स्टैंड पर मित्र के साथ वाहन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय पीड़िता अपने मित्र के साथ आरोपी बस में सवार हुई। अभियुक्त राम सिंह बस चालक था जबकि अपीलार्थी बस का हेल्पर था। अभियुक्त गण ने पीड़िता के साथ गैंगरेप किया, कौमा पीड़िता के निजी अंग में लोहे का रॉड प्रवेशित किया, कौमा पीड़िता के मित्र के साथ मारपीट किया, कौमा उनके सभी कपड़े एवं वस्तुएं लूट लिया और पीड़िता एवं उसके मित्र को नग्न अवस्था में चलती बस से फेंक दिया। स्टॉप। पीड़िता की नाजुक हालत को देखते हुए उपचार के लिए 27/12/2012 को सिंगापुर भेजा गया, कौमा जहां उपचार के दौरान 29/12/2012 को उसकी मृत्यु हो गई। स्टॉप। विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्षियों के आधार पर अपराध में अभियुक्तों की संलिप्तता और दोषिता साबित पाया और यहाँ याची को भवदीय संख्या की धारा 120 ख 376 2 जी 120 ख 376 अब्लिक 120 ख 397 अब्लिक 120 ख 302 अब्लिक 120 ख 307 अब्लिक 120 ख 412 व 201 अब्लिक 120 ख के अंतर्गत दोष सिद्ध किया और मृत्युदंड का दंड अधिरोपित किया, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने भी कर दिया। अपील संख्या 609/610/2019 पर सुनवाई करते हुए इस न्यायालय ने भी निर्णय दिनांक 5/5/2017 के द्वारा याची की अपील निरस्त किया जा चुका है, जिसे मुकेश और एक अन्य बनाम राज्य 6 SCC 1 में प्रकाशित किया गया। स्टॉप। अपील पर सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने भी घटना के समय याची की उपस्थिति और अपराध में उसकी संलिप्तता के साक्षियों के द्वारा साबित पाया था। स्टॉप। प्रत्यक्षदर्शी साक्षी एवं पीड़िता के मित्र ने स्वयं याची की पहचान की थी और बताया था कि वह ड्राइवर के केबिन से बाहर आया और
पीड़िता को बस के पीछे भाग में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। स्टॉप। पीड़िता ने स्वयं अपने मृत्युकालिक कथन में अभियुक्त गण को एक दूसरे को नाम लेकर बुलाते हुए नामों का उल्लेख किया था, कौमा, जिसमें उसने राम सिंह, कौमा, मुकेश, कौमा, विनय, कौमा, अक्षय, कौमा, विपिन, कौमा, राजू का नाम लिया था। स्टॉप। अक्षय वर्तमान याची है। स्टॉप। साक्षी PW1 के द्वारा बताए गए के अनुसार मेट्रो कार्ड और अंगूठी याची की प्रेरणा पर उसके पास से जब्त हुआ था। स्टॉप। इन्हीं साक्षियों पर अपीलार्थी के दंड को उच्चतम न्यायालय ने भी पुष्टि कर दिया था। स्टॉप। अब याची की ओर से अनेक आधारों पर निर्णय दिनांक 5/5/2017 की समीक्षा चाहा गया, कौमा, जिसे उच्चतम न्यायालय की पूर्व पीठ ने अस्वीकार करते हुए निरस्त कर दिया है। स्टॉप। भारत के संविधान का अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णयों एवं आदेशों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या अनुच्छेद 145 के अधीन इस न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन होती है। स्टॉप। तदनुसार उच्चतम न्यायालय नियमावली 2013 के आदेश कौमा नियम 1 में उपबंधित किया गया है कि न्यायालय सिविल संहिता 1908 के आदेश 47 नियम 1 के अधीन दीवानी मामलों में और अभिलेख पर प्रत्यक्ष प्रकट किसी त्रुटि के आधार पर अपने द्वारा पारित अन्य निर्णयों या आदेशों का पुनर्वलोकन कर सकता है। स्टॉप। इस मामले के अन्य दो अभियुक्तों की पुनर्निरीक्षण याचिकाएं, कौमा, जिन्हें भी उन्हीं आधारों पर पेश किया गया था, समाप्त।